बलरामपुर सोहेलवा जंगल के बरहवा रेंज के धर्मपुर गांव में सोमवार शाम 3 बजे के करीब बकरी चराने गए 11 वर्षीय बच्चे को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया। 1 घंटे बाद बच्चे का छत विछत शव ककरहवा पहाड़ी नाले के पास पड़ा मिला। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ये वह गाँव है जहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित बेलवा गाँव में तेंदुए ने गत 16 नवम्बर को एक 7 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बना लिया था। लगातार तेंदुए के हमले की छठी घटना है जिसमें मासूमों की जान गई है। घटना के 3 घंटे के बाद तक गांव में वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। हरैया थाने की पुलिस गांव में पहुंचकर स्थिति को संभाल रही है। सोहेलवा जंगल के बरहवा रेंज से सटा हुआ धर्मपुर गांव है। धर्मपुर गांव निवासी मोहम्मद शफीक का पुत्र समीर 11 वर्षीय अपने दोस्तों के साथ जंगल में बकरी चराने गया था। इस दौरान वह लगे बेर को तोड़ने के लिए झाड़ियों की ओर चला गया। यहीं पर तेंदुआ घात लगाए बैठा था। तेंदुए ने समीर पर झपट्टा मारकर उसे जंगल की ओर खींच ले गया। ये बहुत दुखी की बात है। पहले भी आसपास में वो 3 घटना हुआ। हम लगातार उसको ट्रैंकलाइज करने का ऑलरेडी परमिशन मिला। हमारा डॉक्टर का टीम भी है। हम उसको 1 महीने से उसको कहाँ कहाँ मूव करता, हम उसको कम्प्लीटली ढूंढ रहा है। चे पिंजरा भी लगाया, अभी इधर भी हम पिंजरा तुरंत लगाएंगे, उसको कैमरा ट्रैक से मॉनिटर करेंगे। और एक टीम डॉक्टर कल आएगी, वो लखीमपुर खीरी से, तो 2 डॉक्टर का टीम रहेंगे। हम उसको जल्दी जल्दी उसको ट्रांगलेस करके हम पकड़ेंगे। सर, बराबर रेंज में बीते 1 महीने में लगभग 4 घटनाएं हो गई हैं सर, और ग्रामीणों का मानना है कि वन विभाग काफ़ी शिथिलता बरत रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम 1 महीने से कम्प्लीटली हम लगातार, हमारा टीम लाल नगर बराबा, उसको आसपास में इतना नाला है, उसी में हम लोग को लगातार डेली मॉनिटर कर रहा है उसको मूवमेंट का। 3 दिन से वो उसी एरिया से मिसिंग था वो, बिकॉज 4 दिन, वो 1 हफ्ता पहले भी हमारा पिंजरा के अंदर नज़दीक में आ गया। कुछ लोग उसको हाका करके भगा दिया हुआ, वो उस समय अंदर आने की संभावना था। फिर भी हम सबको होंगे, ये बहुत दुखी की बात है। देखिए, एक जंगली जानवर है, आप लोग का सपोर्ट भी हमको चाहिए। हम मैक्सिमम इतना कोशिश करेंगे उसको पकड़ने का, वो ट्रैंकलाइज करने का। हमारा पास कंप्लीट टीम पूरा है। सो एक मेरा निवेदन है बच्चों का, हमको 1 महीने से ये भी हम जागरूकता कर रहा है बच्चों का, कोई बाहर नहीं, अकेले नहीं छोड़ना, उनके साथ हम बड़े लोग भी जाएंगे कोई, क्योंकि सारे घटना में ये बच्चों है वो टारगेट है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।